चूहा बिल्ली और शिकारी। एक जंगल में एक उल्लू, एक नेवला, एक चूहा और एक बिल्ली एक पेड़ के नीचे रहते थे। वे एक दूसरे के पैदाइशी दुश्मन थे और एक दूसरे से बचकर रहते थे। एक दिन उस गांव में एक शिकारी आया। उसने जानवरों को पकड़ने के लिए पेड़ के नीचे जाल बिछाया था। बिल्ली पेड़ के ऊपर बैठी थी और चूहे को पकड़ने के लिए पेड़ से नीचे उतरती है और जाल में अचानक फंस जाती है। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, नहीं नहीं। चूहा बिल्ली की आवाज सुन उसके पास आया और उसे जाल में देखकर हंसने लगा। आज बिल्ली जाल में फंस गई, मुझे पकड़ने तो नहीं आ रही थी ना। हाँ, तुमसे बचकर रहता हूँ, तुम बहुत शैतान हो बिल्ली। चूहा खुशी में नाचने गाने लगा। चूहे की आवाज सुन उल्लू और नेवला भी पेड़ से उतरकर नीचे आ गए। अरे नहीं, हम ये उल्लू और नेवला तुम्हें पकड़कर खा जाएंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। चूहा अपनी जान बचाकर तरीके से भागने की सोचता है। वह बिल्ली को देखता है और कहता है, ओ बिल्ली, आज मेरी मदद भी कर दो, फिर मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। मैं इस जाल में घुस जाता हूँ ताकि उल्लू और नेवला मुझे पकड़ ना सके, फिर मैं ये जाल अपने दांतों से तोड़ दूंगा, काट दूंगा और हम दोनों बाहर आ जाएंगे, नेवले से भी बच जाएंगे। बिल्ली समझदार थी, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। बिल्ली चूहे की बात पर राजी होती है। जब डर खत्म हुआ तो चूहे ने जाल तोड़ा और बिल्ली के साथ जाल से बाहर निकल आया। चूहा झट से अपने बिल में घुस गया। अगले दिन बिल्ली ने चूहे को कहा, ओ चूहे, बाहर निकलो, चलो खेलते हैं। चूहा हैरान हो गया, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिल्ली ऐसे बुला रही थी मानो वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो। चूहे ने कहा, क्या कहा, तुम मुझे बुला रही हो? लगता है तुम्हें मेरे किसी काम के लिए जरूरत है। हम तो दुश्मन है ना, और तुम दोस्तों की तरह आवाज लगा रही हो। बिल्ली चूहे की आवाज सुन हंसने लगती है और उसे कहती है, अब हम दोस्त नहीं, पक्के दोस्त हैं, और दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं। जानते हो, कल तुमने मेरी जान बचाई है, ये बात मैं कैसे भूल सकती हूँ, और तुमने अपना डर भी दिखा दिया। हम दोनों एक दूसरे की अच्छाई बुराई अच्छी तरह जान चुके हैं, चलो खेलते हैं। चूहा खुश हो गया और दोनों मिलकर मजे से खेलने लगे, और यह सब देखकर उल्लू और नेवला हैरान रह गए। शेरनी और सियार। एक गांव में एक शेर और शेरनी रहते थे। उनके दो बच्चे थे, वे खुशी खुशी साथ मिलकर रहा करते थे। एक दिन शेर जंगल में जब शिकार करने के लिए गया, तब उसे एक छोटा सा सियार अकेला बैठा हुआ दिखाई दिया। शेर हैरान हो गया। शेर ने उससे पूछा, ए सियार, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो, बात क्या है, परेशान दिख रहे हो। सियार ने जवाब दिया, मैं इस जंगल में गुम हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। शेर को सियार पर दया आई और वह सियार को अपनी गुफा में ले आया और अपने दो बच्चों के साथ पाला और पोसा, क्योंकि सियार भी उसके बच्चों की तरह अभी बहुत छोटा था। शेर के बच्चे और सियार साथ मिलकर खेला करते थे। कुछ सालों में सभी बच्चे बड़े हो गए। एक दिन खेलते वक्त एक हाथी तीनों भाइयों के पास आया। शेर के बच्चे हाथी पर चिल्लाने लगे और उस पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी ओर सियार हाथी से डरता रहा, डरता हुआ भागने की कोशिश करता रहा। शेर के बच्चों ने कहा, अरे भाई, ये हाथी हमारे दुश्मन है, इन पर हमारे साथ हमला करो, भाग क्यों रहे हो। अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। सियार ने ऐसा कहा और दुम दबाकर भागने लगा। बाकी शेर के बच्चे बहुत हैरान थे। शेर के बच्चे फिर घर आए, अपनी माँ को सारी घटना के बारे में बताया। शेरनी को समझ आया
कि भले ही शेर के बच्चे और सियार भाइयों की तरह हैं, बचपन से तीनों को एक साथ पाला पोसा गया है, लेकिन व्यवहार में सभी अलग हैं। शेर अलग है और सियार का व्यवहार बिल्कुल अलग है। जहाँ शेर के बच्चे हाथी से डरे बिना उस पर हमला कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बेचारा सियार अपने व्यवहार के कारण उससे डर कर भाग गया। यह बात जान शेरनी सियार से कहती है, बेटा सियार, तुम शेरों से अलग हो, अब तुम बड़े हो गए हो। अगर तुम अब सियारों के झुंड में जाकर अपने ही साथियों के साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो यहाँ अलग अलग व्यवहार का होने के कारण तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। सियार ने शेरनी की बात मान ली, वो उसे अपनी माँ की तरह समझता था और बाकी सियारों के साथ जाकर अब वो खुशी खुशी रहने लगा। लोमड़ी और सात बकरियाँ। एक जंगल में सात बकरियाँ रहती थी, वो सातों हमेशा साथ रहती थी, एक साथ ही घूमती रहती, एक साथ खाना खाती। उन सातों बकरियों की दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देता था। एक दिन एक हाथी ने कहा, अरे बकरियों की टोली कहाँ चली, तुम सबको साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया हाथी भाई। और जब बकरियों को सोना होता तो पांच बकरियां सो जाती और दो पहरा दिया करती थी ताकि कोई शिकारी जानवर उन्हें मार ना सके। एक दिन एक बकरी ने कहा, अरे सहेलियों, चलो चलो तुम सो जाओ, मैं पहरा देती हूँ। ठीक है, हम लोग सो जाते हैं। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, उसकी नजर इन बकरियों पर हमेशा रहती थी। हाँ, अरे वाह, कितनी मोटी बकरियां हैं, अगर ये हाथ लग जाएं तो अपनी तो पार्टी बन जाएगी, मजा आ जाएगा। लोमड़ी हिम्मत करके बकरियों पर हमला करती है। सहेलियों, आओ मिलकर लोमड़ी पर हमला करें, वरना ये हमें खा जाएगी। लेकिन साथ में बकरियां एक साथ लोमड़ी पर हमला कर देती हैं, इसी कारण वो वहां से भाग जाती है। अरे अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो यहां से। लोमड़ी बकरियों से पिटकर दुम दबाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो अभी भी बकरियों को मारने की योजना बनाती रहती है। इन बकरियों ने मुझसे पंगा लिया है, इन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। लोमड़ी छुप छुप कर उनका पीछा करती है। एक दिन बकरियों के बीच पेड़ की टहनी के हरे पत्ते खाने को लेकर कहां सुनी हो जाती है। अरे ये क्या कर रही हो, ये पत्ता मेरा है, तुम इसे क्यों छेड़ रही हो, ये मेरा है, ये मैंने तोड़ा है, मुझे हरे पत्ते पसंद है, ये मेरा है। तभी वहां बड़ी बकरी आ जाती है और उन्हें समझाती है कि आपस में लड़ना सही बात नहीं, लेकिन वो तीनों बकरियां झुंड से अलग होकर चलने लगती हैं। लोमड़ी को तो इसी बात की तलाश थी। कितने दिनों तक साथ रहती, देखा हो गया झगड़ा, आज लूंगी इनसे अपना बदला, एक एक कर इन तीनों को खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, आज तो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है। चलो इनका शिकार करती हूँ, इनकी इस लड़ाई का फायदा उठाती हूँ। इस बात का फायदा उठाकर लोमड़ी उन पर हमला कर देती है। तीनों बकरियां एक दूसरे से नाराज थीं, इसीलिए एक दूसरे की तरफ देखती भी नहीं, और इसी बात का फायदा लोमड़ी उठाती है। एक एक करके वो तीनों बकरियों को खा जाती है और फिर बाकी बकरियां यह सब देखकर हैरान रह जाती हैं और समझ जाती हैं कि हमेशा एकता में ही बल होता है, लड़ झगड़ कर कोई फायदा नहीं, अपना नुकसान हो सकता है। एक जंगल में एक चील और एक कौवा रहा करते थे। कौवे ने एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ था और वहीं चील ने उसी पेड़ के ऊपर पहाड़ी पर अपना घोंसला बना रखा था। चील बहुत चालाक और होशियार थी और साथ में ताकतवर भी। कौवा उसे देखकर हमेशा चलता रहता था। यह चील दिखने में तो मेरे जैसी ही है, लेकिन है बड़ी चालाक और होशियार, मुझे भी इसके जैसा बनना है। एक दिन वो कौवा हिम्मत करके चील के पास गया। चील जी नमस्ते। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? चील जी, मैं पहाड़ी के नीचे उस पेड़ पर रहता हूँ, मैं आपको रोज शिकार करते देखता हूँ, मुझे भी आपकी तरह ताकतवर बनना है, अपनी ताकत का राज मुझे बताइए। चील ने हंसते हुए कहा, अरे कोई राज नहीं है, तुम बस मुझे शिकार करते देखा करो और वैसे ही करना शुरू कर दो।
बेवकूफ कौआ चील की बातों में आ गया। एक दिन चील और कौए को एक खरगोश दिखाई दिया। चील ने ऊंची चट्टान से उड़ान भरी और तेज से उड़ान भरते हुए उस खरगोश को दबोच लिया और अपने पंजों में उठाकर उसे घोंसले में ले जाकर खाने लगी। कौआ यह देखकर हैरान रह गया और चील की नकल करने लगा। कुछ दिन चील की तरह उड़ान भरते भरते कौए ने सोचा कि वो भी चील की तरह ताकतवर बन चुका है। एक दिन वो अपने पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में बैठा शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे एक खरगोश दिखाई दिया। आज तो मैं चील की तरह शिकार करके ही रहूंगा, अभी इस खरगोश को पकड़ता हूँ। कौए ने चील की तरह पेड़ के ऊपर ऊंचाई से उड़ान भरी और खरगोश को पकड़ने के लिए चल पड़ा। लेकिन खरगोश ने कौए को अपनी ओर आते हुए देख लिया। अरे भागो भागो भागो! से पहले कि कौआ खरगोश को पकड़ पाता, खरगोश वहाँ से भाग गया। लेकिन इससे पहले कि कौआ संभल पाता, बहुत देर हो चुकी थी और कौआ चट्टान से टकरा कर बुरी तरह से घायल हो गया था। मुझे अब चील नहीं बनना, मैं कौआ ही ठीक हूँ। ना मैं चील की तरह उसकी नकल करता और ना ये हाल होता। मैं सच में मूर्ख हूँ, बहुत बड़ा मूर्ख। चील यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, तुम मूर्ख हो, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। चील बनना तुम्हारे बस की बात नहीं,